हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है हार्डनेस ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा क्लास 11th की केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन से। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हार्डनेस ऑफ वाटर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो वाटर होता है वो टू टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा हार्ड वाटर एंड सेकंड टाइप है हमारा सॉफ्ट वाटर। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इसी टॉपिक के अंदर इंक्लूड है, ठीक है ना, कि वाटर हमारा दो प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा हार्ड वाटर और सेकंड टाइप है हमारा सॉफ्ट वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, फर्स्ट हार्ड वाटर एंड सेकंड सॉफ्ट वाटर। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, ये हार्डनेस ऑफ वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे हर बार कंफर्म क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसे इंपॉर्टेंट मार्क्स कर देता हूँ, अब एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट टाइप की, जो है हमारा हार्ड वाटर। अब हम समझेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है। फ्रेंड, हार्ड वाटर हमारा भी एक तरह का वाटर ही होता है जिसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं उसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। द वाटर विच कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड हार्ड वाटर। आप सॉल्ट बोल दो या आयन्स बोल दो, बात एक ही है। मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिखा है, आपकी मर्जी, अगर आप आयन्स भी लिखते हो तो तब भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं उसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंड टाइप की, जो है हमारा सॉफ्ट वाटर। अब हम समझते हैं सॉफ्ट वाटर क्या होता है। फ्रेंड, सॉफ्ट वाटर भी हमारा एक तरह का वाटर होता है जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं होते, मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं होते उसे हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। मतलब वो बिल्कुल फ्री होता है कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। द वाटर विच डू नॉट कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारे दो वाटर के टाइप थे,
हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर ये आपको पता होना चाहिए, कई बार ये भी मन मार्क में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों समझ आए होंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर की। फ्रेंड आपको नाम से क्लियर हो रहा है हार्डनेस, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो पानी में जो हार्डनेस होती है वो हार्ड वाटर की वजह से ही होती है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि जो पानी में हमारी जो हार्डनेस आती है वो हार्ड वाटर की वजह से ही आती है। और फिर मैं आपको बता दूं जो हार्डनेस है हमारी वाटर की वो टू टाइप की होती है। इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा टेम्पररी हार्डनेस एंड सेकेंड टाइप है हमारा परमानेंट हार्डनेस। ओके फ्रेंड्स, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो हार्डनेस है हमारी वाटर की वो टू टाइप की होती है। इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा टेम्पररी हार्डनेस एंड सेकेंड टाइप है हमारा परमानेंट हार्डनेस। मैं लिख देता हूँ इन्हें। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट टाइप इज टेम्पररी हार्डनेस एंड सेकेंड टाइप इज परमानेंट हार्डनेस। फ्रेंड मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हार्डनेस ऑफ वाटर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है। और जो इसके टाइप्स हैं दोनों टेम्पररी और परमानेंट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं पर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों टाइप हमारे एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, उसे रिमूव कैसे करते हैं, और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, उसे रिमूव कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टाइप इसके। तो इस लेक्चर में हम टेम्पररी हार्डनेस को डिस्कस करेंगे कि टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है और कैसे हम उसे रिमूव करते हैं। ओके फ्रेंड, इस लेक्चर में हम टेम्पररी हार्डनेस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में परमानेंट की बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस की कि टेम्पररी हार्डनेस होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, टेम्पररी हार्डनेस हमारी कैल्शियम मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। मतलब जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं तब हमारी टेम्पररी हार्डनेस होती है। ओके फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूँ इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टेम्पररी हार्डनेस हमारी कैल्शियम मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि टेम्पररी हार्डनेस को हम रिमूव कैसे करेंगे। मतलब अगर हमें टेम्पररी हार्डनेस को पानी से हटाना है तो हमें क्या करना होगा। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड है हमारा बॉइलिंग और सेकंड मेथड है हमारा क्लार्क मेथड। ठीक है फ्रेंड, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड है हमारा बॉइलिंग, सिंपल बॉइलिंग जो करते हैं पानी को उबालकर, एंड सेकंड मेथड है हमारा क्लार्क मेथड। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स पे लिख दिया है। इट कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग एंड सेकंड क्लार्क मेथड। अब हम वन बाय वन दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग में कैसे टेम्पररी हार्डनेस रिमूव होती है और क्लार्क मेथड में कैसे टेम्पररी हार्डनेस रिमूव होती है।
अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट मेथड की, जो है हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग आप सब समझते हो, उबालना होता है पानी को गर्म करके। अब फ्रेंड हमें पता है कि टेम्परेरी हार्डनेस हमारी तब होती है जब पानी में हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। तो बॉइलिंग में क्या करेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, मतलब कैल्शियम के और मैग्नीशियम के दोनों के हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, बॉइल करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको पता है ये क्या होता है, ये क्या हमारे यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बॉइल करेंगे, तो बॉइल कैसे करते हैं, उसे गर्म करके करते हैं। तो जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पर हमें क्या मिलता है, हीट करने पर हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, जब हमने मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला, प्लस CO2 गैस रिलीज हो गई। अब मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये हमारा सॉल्युबल होता है पानी में, बट जब हम इसे हीट करते हैं तो हमारे इनसॉल्युबल बन जाता है। ठीक है, जो है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो पानी में सॉल्युबल होता है, बट जब हम इसे हीट करते हैं मतलब गर्म करते हैं तो हमारा इनसॉल्युबल हो जाता है, और इनसॉल्युबल होके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है, PCT, जिसकी मतलब होता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से छान देते हैं पानी को, जिससे वो अलग हो जाता है हमारे इनसॉल्युबल जो होता है, और हमारा पानी साफ हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ये था हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे कैल्शियम के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में क्या होता है। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आपको पता है जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, प्लस वाटर का एक मॉलिक्यूल मिलता है, प्लस CO2 गैस हमारी रिलीज हो जाती है। ठीक है ना, अगेन वही बात आती है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल होता है, बट जब हम इसे हीट करते हैं तो हमारे इनसॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मतलब जो है हमारे इसे छान लेते हैं पूरे मिक्सचर को, जिससे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ऊपर ही हट हट जाता है पानी से, और हमारा पानी क्या है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम बॉइलिंग की हेल्प से टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये बॉइलिंग का मेथड क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड सेकेंड मेथड की, जो है हमारा क्लार्क मेथड। अब हम समझेंगे कि क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा हार्ट वाटर होता है उसके अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं, वो भी एक कैलकुलेटेड अमाउंट में। क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं, हार्ट वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं, और वो भी कैलकुलेट करके एक अमाउंट निकालते हैं उसका, तब डालते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से डाल देते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐड करते हैं। ठीक है, आपको ये बात पता है कि लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब फिर जो मैंने आपको समझाया था उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर। ओके फ्रेंड, अब फिर हम इसे रिएक्शन से समझेंगे कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, और जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा। अब वन बाय वन हम दोनों को समझेंगे।
फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। सबसे पहले तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसमें जो हम ऐड करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं हम लाइम बोलते हैं, आपको पता है। तो क्या होगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है मेरा। तो हमारा क्या बनता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, प्लस हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अगेन वही करते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग निकाल देते हैं, जिससे हमारा पानी सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि जब ये हट जाएगा हमारे पास क्या बचेगा, जब ये हट जाएगा क्या बचेगा, वाटर भी बचेगा, तो हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं हम लाइम बोलते हैं, मैं नीचे लिख रहा हूँ आपके पास स्पेस नहीं है, तो ध्यान से देखना है हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले हमें दो मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट की मिलेंगे, प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ये हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है, प्लस दो मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे। अगेन हम वही करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाएंगे, इससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा पानी से अलग हो जाएगा और हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा पूरा क्लास मेथड का कंसेप्ट था, और आप ये बोल सकते हो यही हमारा टेम्पररी हार्डनेस का पूरा कंसेप्ट था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने पूरा हार्डनेस ऑफ वाटर का कंसेप्ट देखा कि हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है, कितने टाइप्स की हमारी हार्डनेस वाटर में प्रेजेंट होती है, हमने पूरे कंसेप्ट को डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।